कि वो देश की जनता को धोखा और फरेब हमेशा देती आई है। तो आज का ये नाम निहाद सो कॉल्ड जो दिन मनाया जा रहा है वो एक धोखा और फरेब है। हम ये पूछना चाहते हैं कि कितने मुस्लिम महिलाओं से आपने इंसाफ किया, बताइए। नजीब की माँ आज भी अपने नजीब के तलाश में तड़प रही है। जुनैद जिसको हरियाणा में चलती ट्रेन में लोगों के सामने उसका कत्ल कर दिया गया, आज भी उसकी माँ उसके इंसाफ के लिए तड़प रही है। लाखों की तादाद में मुस्लिम महिलाएं ने CAA का कानून के खिलाफ, NRC NPR के खिलाफ एहतजाज किया। आज भारत में सबसे ज्यादा अगर इलिटरेट है फीमेल्स में तो मुस्लिम महिला हैं, उसके लिए मोदी सरकार ने क्या किया। सबसे ज्यादा अगर ड्रॉप आउट होता है तो मुसलमानों का और उसमें मुस्लिम महिलाओं का। तो क्या आपने ये कानून बनाकर एक धोखा दिया है? ये कानून अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, इसीलिए सुप्रीम कोर्ट में इसको चैलेंज कर दिया गया है। ये इक्वालिटी के खिलाफ है, ये मुस्लिम लोगों को डिमोनाइज करने के लिए कानून बनाया गया। और हम मोदी सरकार से पूछना चाहते हैं कि सिर्फ मुस्लिम वुमेन डे मनाएंगे, दूसरे कम्युनिटी का नहीं मनाएंगे आप? आप ये कहना चाह रहे हैं कि हमारी हिंदू बहनें, हमारी दलित बहनें, हमारी OBC बहनें, सबका एम्पावरमेंट हो चुका है क्या? आपका ने रिकॉर्ड है, बताइए। तो ये सिर्फ धोखा और फरेब है। इस कानून से मैंने कहा कि उल्टा मुस्लिम महिलाओं का एक्सप्लॉयटेशन होगा, धोखा होगा, वो और परेशान होंगी और किसी को इंसाफ नहीं मिलेगा। डिमोनाइजेशन होगा मुसलमानों का, सिर्फ केस बुक होगा, उसके बाद कोई इंसाफ नहीं होगा उन लोगों पे। तो ये हमेशा इनकी आदत रही है धोखा देने की, फरेब देने की, और ग्राउंड पर इसका कोई ना तो मुस्लिम महिलाओं ने, मुसलमानों ने इसको एक्सेप्ट किया है, बल्कि इसको रिजेक्ट किया है। तो ये इसकी हकीकत है। और एजुकेशन के मामले में मुख्तार अब्बास नकवी हो या मोदी सरकार हो, आप डिमांड ड्रिवन स्कॉलरशिप क्यों नहीं करते माइनॉरिटीज की? क्या ड्रॉप आउट रेट नहीं है? क्या कुंडू कमेटी की रिपोर्ट नहीं है? क्या NSSO का डेटा नहीं है? क्या 2011 का सेंसस नहीं है? सिर्फ धोखा और फरेब और ऑप्टिक्स के लिए किया जाता है सब चीजें। ये सर, मुख्तार अब्बास नकवी ने ये कहा है कि लोग इसको सपोर्ट कर रहे हैं और कुछ क्रिमिनल एक्टिविटीज जो है कौन वो सा कौन सपोर्ट कर रहे हैं? इस कानून के खिलाफ करोड़ों मुस्लिम महिलाओं ने अपने हाथ से साइन करके भारत के प्रधानमंत्री को कहा कि हम इस तरह के कानून को रिजेक्ट करते हैं। ये वो उन लोगों की आप बात क्यों नहीं करते? ग्राउंड पर इसका कोई इंप्लीमेंटेशन नहीं है। बर्डन ऑफ प्रूफ मुस्लिम महिलाओं पर डाल दिया गया और आप इसको ये कह रहे हैं कि अगर कोई जेल को भी जाएगा तो शादी रहेगी। इस मुल्क में अगर कानून बनाना है, मैं मोदी सरकार को कह रहा हूं कि डिजर्शन पर कानून बनाइए। वो मर्द जो अपनी बीवी को शादी भी करते हैं और अपने साथ नहीं रखते, उनको छोड़ देते हैं, डिजर्शन पर कानून बनाइए ना। आप डिजर्शन पर कानून नहीं बनाते। और अगर इस कानून के तहत किसी मुसलमान को सजा होगी तो 3 साल और नॉन मुस्लिम को भी तो 1 साल। क्या कर रहे हैं आप? डेमोनाइज कर रहे हैं पूरी कम्युनिटी को और मुस्लिम मुस्लिम महिलाओं से। ये नाइंसाफी और एक्सप्लॉयटेशन और ज्यादा होगा इस कानून के तहत। सर, मुख्तार अब्बास नकवी ने ये कहा है कि कोविड की वजह से इस बार इतनी बड़ी सेलिब्रेशन नहीं हो रही है, पर तीसरी साल मतलब अगले साल आएंगे किस जब बात का किस सेलिब्रेशन। बात का सेलिब्रेशन कर रहे हैं, बताइए। आप आपके पास रिकॉर्ड है तो बताइए किस बात का सेलिब्रेशन कर रहे हैं? आप तो एक अनकॉन्स्टिट्यूशनल कानून बनाकर जो राइट टू इक्वालिटी के खिलाफ है और उल्टा बर्डन ऑफ प्रूफ मुस्लिम महिलाओं पर डाल देता है। इस देश को जरूरत है तो डिजर्शन के खिलाफ कानून बनाने के लिए जो इररेस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन का सबले अप्लाई होगा, वो कानून नहीं बना रहे। ये सिर्फ धोखा और फरेब है, इसका इंसाफ से दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं है। बीजेपी के लीडर्स ये कह रहे हैं कि पीएम मोदी के जो हर एक डिसीजन है वो सारे इंप्लीमेंट हुए हैं, चाहे वो राम मंदिर हो या आर्टिकल 370 का रिप्लेसमेंट हो या फिर 80% रिडक्शन और इन ट्रिपल तलाक केसेस। कौन सा 80% है, कौन सा डेटा है, बताइए। चलिए देश सामने रखिए, कहां से लाए डेटा? ये डेटा तो आपने अपने घर में बैठकर बीजेपी के दफ्तर में बैठकर बना लिया है। ग्राउंड पर एक्चुअल रियलिटी यह है कि मुस्लिम महिलाओं का एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है इस कानून के तहत। बर्डन ऑफ प्रूफ मुस्लिम महिलाओं पर है और शादी भी खत्म नहीं होती उसकी। तो ये एम्पावरमेंट अगर मुसलमान और मुसलमान महिलाओं का चाहते हैं
तो आप नजीब की माँ से इंसाफ करिए, आप जुनेद की माँ से इंसाफ करिए, आप पीलू खां के घर वालों से इंसाफ करिए, आप अखलाक के घर वालों से इंसाफ करिए, आप अकबर खां के घर वालों से इंसाफ करिए, अलीमुद्दीन अंसारी के घर वालों से इंसाफ करिए, जो जिनको गौरक्षकों ने मारा, उन खातिलीन उन कन्विक्शन के कन्विक्टेड लोगों को बीजेपी के लोग जाकर फूल का माला पहनाते, और आप आकर हमको कह रहे हैं कि आप मुस्लिम महिलाओं से इंसाफ कर रहे हैं, डिमांड ड्रिवन स्कॉलरशिप आप नहीं करते, इलिटरेसी रेट हाई है, कुछ नहीं करते, और आप सिर्फ एक धोखा और फरेब की इनकी हमेशा सियासत रही है, उसी पर बीजेपी चल रही है। सर, हिंदुस्तान के टैक्स पेयर का करोड़ों रुपया बात कर रहे हैं आप, तो आप भूल गए सुषमा, लेट सुषमा स्वराज ने क्या कहा था कि पार्लियामेंट को चलाने की जिम्मेदारी सरकार की है, डिबेट करवाइए ना, क्यों सरकार डर रही है? 300 एमपी रखकर भी सरकार पेगासस के ऊपर डिबेट नहीं करना चाहिए, क्यों डर रही है, क्या छुपाना चाह रहे हैं आप? हम यही सवाल कर रहे हैं, आप चलाइए पार्लियामेंट को, हम चलाने तैयार हैं, आप चलाना नहीं चाहते, आप दिन में अपने बिल को पास करना चाहते, ये डेमोक्रेसी है क्या? पार्लियामेंट को चलाना सरकार की जिम्मेदारी नहीं है, अपोजिशन अपनी बात को रखेगा, आप सुनिए, आपको एक्सेप्ट करना है मत करिए, मगर हमको बात रखने का तो मौका नहीं दिया जा रहा है। विपक्ष की जिम्मेदारी, विपक्ष उन लोगों की तरफ से विपक्ष आवाज उठा रहा है जिनकी लाशें पानी में तीर रही थी, जो ऑक्सीजन से मर गए। विपक्ष ये चाह रहा है कि भारत में सेकेंड वेव में जो 40 लाख से ज्यादा लोग मर चुके हैं उनके लिए इंसाफ का बात कर रहे हैं, तो सरकार सुनने तैयार नहीं है। विपक्ष ये चाह रहा है कि आप फोन टैप कर रहे हैं उन लोगों का जो आपके खिलाफ है, विपक्ष चाह रहा है कि आपने वो सॉफ्टवेयर लिया नहीं, मैलवेयर लिया नहीं लिया, आपने एनएसओ से खरीदा नहीं खरीदा, आप उसका जवाब देने तैयार नहीं है, क्यों तैयार नहीं है आप इन चीजों का जवाब देने? विपक्ष ये पूछ रहा है कि किसान इतने महीनों से एहतजाज कर रहा है, आप उनकी बात सुनने तैयार नहीं है, तो सरकार सिर्फ खुद जिम्मेदार है। आज पार्लियामेंट अगर नहीं चल रही है तो मोदी सरकार इसकी जिम्मेदार। सर, उत्तर प्रदेश में आपने पहले ही ऐलान किया कि हम चुनाव लड़ेंगे, अभी प्रधानमंत्री से लेकर तमाम बड़े नेताओं, अमित शाह से लेकर तमाम बड़े नेताओं का वहाँ से यूं तय हुआ है चुनाव प्रचार के लिए, आपको क्या लगता है कि आपको इस तरह से हाँ हाँ बीजेपी की हालत खराब है वहां पर, बीजेपी सेकेंड कोविड वेव को मैनेज नहीं कर पाई, 4 लाख से ज्यादा लोगों की मौत हुई है, ऑक्सीजन नहीं प्रोवाइड कर सके उनकी गलती की वजह से, मेडिकेशन नहीं मिला, नौकरियां जा चुकी हैं, और हेल्थ सेक्टर में तो कुछ हुआ ही नहीं यूपी में, मैंने कल ही आपको बताया कि कितने पोस्ट खाली हैं, और इसीलिए बीजेपी की हालत खराब है, और मुझे यकीन है कि उत्तर प्रदेश के नौजवान, उत्तर प्रदेश की जिम्मेदार तमाम जनता अब के बार इस चुनाव में बीजेपी को इंशाअल्लाह ताला शिकस्त देगी। लेकिन सर, जो आपके अपोनेंट हैं, कई अहम सियासतदान हैं उत्तर प्रदेश के, वो आपके बारे में कह रहे हैं कि आपका जो गठबंधन है और आप हैं वो टांडा एक्सप्रेस हो जाएंगे उत्तर प्रदेश। अरे भाई, तो अब इतना परेशान वो क्यों हो रहे हैं, इतने जो भाग भाग के आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं सब, एक एक मंत्री आ रहा है, सब आ रहे हैं, भाई हमारी फिक्र छोड़िए, लैला की फिक्र करना छोड़िए, अपनी फिक्र करिए, और हम इस बार इंशाअल्लाह ताला ओम प्रकाश राजभर साहब के गठबंधन में हम साथ हैं, हमारे पार्टी प्रेसिडेंट शौकत साहब, हमारे स्पोक्स पर्सन आसिम वकार, संगठन को बहुत मजबूत किया है और कर रहे हैं, और हमको यकीन है कि इंशाअल्लाह ताला इस बार उत्तर प्रदेश की जनता अब हमको अपने दुआओं से, अपने आशीर्वाद से, अपने वोट देकर हमारे कैंडिडेट्स को कामयाब करेगी।